रोटो नॉलेज में आपका खुशामदीद, वेलकम। ये बेंटेक्स आरके का चेंज ओवर है, रिवर्सिंग स्विच भी कहते हैं इसको। आज जानते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये सिंगल फेस है, ये इसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रिवर्स और फॉरवर्डिंग जो है दोनों साइड होता है, ये एक साइड रिवर्स, एक साइड फॉरवर्डिंग। बीच में ज़ीरो लिखा हुआ है, दोनों साइड वन वन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें नौ टर्मिनल हैं टोटल, देख सकते हैं आप, तीन तीन छः तीन नौ, टोटल नौ टर्मिनल हैं। यहाँ पर आप न्यूट्रल या फेस दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी पॉइंट में, या तो इसमें न्यूट्रल इसमें फेस, या तो इसमें न्यूट्रल इसमें फेस दे सकते हैं आप। जो आप सप्लाई देंगे आउटपुट की, वो आप एक इसमें देंगे और एक इसमें देंगे। अगर आपको कोई भी सिंगल वे में चलाना है आपको, तो आप इसमें सप्लाई की वायर देंगे और इसमें मेन लाइन की वायर देंगे, इन दोनों टर्मिनल में। अगर आप उसको रिवर्स चलाना चाहते हैं, तो आप एक वायर इसमें लगाएंगे, एक कैपेसिटर की वायर इसमें लगाएंगे, और एक कैपेसिटर की वायर आपको दूसरे टर्मिनल में लगानी होगी, मतलब इस वाले पॉइंट में लगाना होगा आपको, अगर रिवर्स आपको चलाना है तो। ठीक है, समझ में आ गया। मेन लाइन की वायर यहाँ पर हम डालेंगे, इसमें इस वाले टर्मिनल में, दोनों में, एक में न्यूट्रल एक में फेस। इसमें डालेंगे हम सप्लाई की, जो कि आपकी एक मोटर की या पंप की मेन आ जाएगी, एक कैपेसिटर वाली वायर आ जाएगी जो मोटर के साथ होती है, मोटर की वायर के साथ। और दूसरा आपका जो एक और कैपेसिटर वाली वायर आ जाएगी मोटर की, तो आप वो कौन से टर्मिनल में देंगे वो आप देख लीजिए, आप देंगे उसको इस वाले टर्मिनल में, तब जा कर के आपका रिवर्स इस तरफ, अगर आप मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इस रोटर इस हैंडल को मूव करते हैं तो आपका रिवर्स चलेगा, और राइट हैंड साइड में करते हैं तो आपका फॉरवर्ड चलेगा, मतलब सीधा चलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा चलेगा। तो ये कनेक्शन है, आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं, देखते हैं कनेक्शन कैसे होता है, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं इसका हम। तो फाइनली हमने कनेक्शन कर दिया है, अब आप देख पा रहे हैं ये एक मोटर है, ये वॉशिंग मशीन की एक स्पिन मोटर है, जिसमें हमने कैपेसिटर भी लगा दिया है और ये कनेक्शन कर दिया है। ये जो वायर आ रही है येलो कलर की, ये दोनों वायर आपकी मेन लाइन की आ रही है, आपको हम दिखा दें, आप देख सकते हैं, अभी हमने सीरीज़ पे लगाया हुआ है। तो हम इसे चालू करके दिखाते हैं आपको, तो हमने इसे चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं, देखिए ये वन साइड एक साइड घूम रहा है, मूव कर रहा है एक साइड, देख सकते हैं आप, ये बल्ब जल रहा है। अब हम इसे दूसरी साइड रिवर्स करते हैं, अभी देखिए किस तरफ चल रहा है ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, माफ़ कीजिए, राइट हैंड साइड में चल रहा है, ये इस तरफ चल रहा है, अब ये इस तरफ मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, अभी ये राइट हैंड साइड में चल रहा है। अब हम रिवर्सिंग स्विच के हैंडल को अब हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, देखिए तो ये मोटर चल पड़ी है, अब ये देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में अभी मूव कर रहा है, अभी ये इस तरफ मूव कर रहा है, देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कनेक्शन को समझते हैं, जो इसकी मेन लाइन की वायर है वो आपकी मोटर की जो मेन लाइन की वायर है वो वाइट है, जो कि हमने ये सबसे पहले टर्मिनल में दिया है, देख पा रहे हैं आप। और ये कैपेसिटर के साथ जो आई हुई है ये वायर, ये कैपेसिटर के साथ आई हुई है, देख पा रहे हैं, ये मोटर की कैपेसिटर के साथ आई हुई है, ये दूसरे वाले टर्मिनल में गया हुआ है, और जो तीसरे वाले इस तरफ के राइट हैंड साइड के टर्मिनल में है वो बीच वाले पॉइंट में, वो आपकी कैपेसिटर की दूसरी मोटर की वायर गई हुई है,
मतलब मोटर की कैपेसिटर की दो वायर आती है, तो एक वायर आपकी ये इस वाले टर्मिनल में बीच वाले में, और एक वायर आ गई आपके इधर वाले बीच वाले टर्मिनल में। ठीक है, तो कनेक्शन समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रोटो नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, सलामत रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।